हाय दोस्तों, जाबे ट्रैक्टर वर्कशॉप में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे वर्कशॉप पे आया था स्वराज 724, तो हमने इसको खोला था दोस्तों। तो इसमें बता दें कि किस लिए हमने खोला था। देख सकते हैं दोस्तों, अचानक इसमें गियर ऑयल आ गया है। एक बाल्टी यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्लच में अचानक इसमें जोतते समय गियर ऑयल आ गया दोस्तों। तो इसमें कौन सा वजह है, लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों। इसने पहली मरतबा ऐसा देखा है दोस्तों कि इसका ये वजह निकला है, तो आप लास्ट तक वीडियो वॉच करना दोस्तों, आपको दिखाएंगे। और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें। तो आपको हम दिखाते हैं दोस्तों इसमें कौन सा वजह हुआ है, इतना गहराल क्यों आया है बॉडी में। तो मैं यहाँ पर आप देखिए पूरा ऑयल भर चुका है इसमें बॉडी में। यहाँ पर आप देखिए एक बाल्टी यहाँ पे निकाले हुए हैं, जैसे क्लच दिया है दोस्तों, ये बोल्ट खोल के हमने निकाल लिया था। इसी बोल्ट जहाँ पे लगता है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ऑयल इसमें निकला है। ये गियर ऑयल है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वजह दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करना दोस्तों। यहाँ पर इसका हाइड्रोलिक पम्प फट चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए अचानक ये हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए गियर ऑयल निकलेगा दोस्तों, जैसे इसमें हम डलाएंगे ये वाला सापट सीधे राउंड में, जैसे हाइड्रोलिक पंप तेल खींचता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए गियर ऑयल चू रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे घुमाते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर गियर ऑयल लीकेज हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जब ट्रैक्टर चलता होगा तो कितना जोर गियर ऑयल इसमें आया होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इसको गाड़ी को टोचन करके लाए हैं किसान ओनर। तो यहाँ पे आप देखिए इसको खोलने के लिए दोस्तों हमें क्या क्या खोलना पड़ेगा, अभी लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों। यहाँ पे हमें 30 नंबर का ये बोल्ट खोल लेना है, ये वाला बोल्ट, और फिर ये वाला खोलना है चेकनेट। तो जल्दी से आपको खोल के हम दिखाते हैं। तो जल्दी से खोल के आपको हाइड्रोलिक पम्प क्या क्या खोलना पड़ेगा पहले बता देते हैं। ये वाला खोल लेना है, यहाँ से गुटका खुल जाएगा बाहर से, और ये वाला इधर से हमें खोल लेना है 19 नंबर ये वाला, और ये 10 नंबर हमारा अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10 नंबर लगा हुआ है। ये वाला खोल के आपको हाइड्रोलिक पंप बाहर निकाल के हम दिखाएंगे कि कौन सा वजह है दोस्तों। ये बॉडी जो है इसका फट चुका है, और फटने की वजह यही दोस्तों, अचानक यहाँ पे जब लॉक हो जाता है, कभी कभी लीवर उठाने के दौरान लात पड़ गया था किसान ओनर का, अचानक हुआ है ये वाला। जब ये लॉक पड़ जाएगा और हाइड्रोलिक उठाते समय, तब जब तेल निकलने का जगह नहीं रहेगा, तब जाहिर से बात है कि हाइड्रोलिक पंप फट सकता है दोस्तों। अचानक ये फट गया हमारा हाइड्रोलिक पंप, किसान ओनर जोत रहे थे खेत में, यहाँ पे जो लॉक होता है ये लॉक हो जाएगा लीवर उठाने के दौरान, तो हमारा हाइड्रोलिक पंप फट गया इसीलिए दोस्तों। तो जल्दी से इसको खोल के आपको दिखाते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने हाइड्रोलिक पंप को खोल लिया था, आप देख सकते हैं कि इसका हाइड्रोलिक पंप फट चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिटका हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हाइड्रोलिक पंप पूरा फट चुका है। इसीलिए इसी के द्वारा पूरा ऑयल निकल रहा था, हाइड्रोलिक नहीं काम कर रहा था हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पुराना हाइड्रोलिक पंप हमने नया मंगा लिया है, ये वाला आप देख सकते हैं। तो ये हमें कैसे बांधना है अब लास्ट तक वीडियो देखना दोस्तों। जल्दी से ये वाला खोल के इसमें लगाना होता है हमको, ये वाला, ये दोनों साइड का, ये वाला खोल के इसमें ऐड कर देना है। तो जल्दी से इसको हम खोल लेते हैं इसर से, और ये वाला पहले ही ढील कर दिया था दोस्तों, तो इसको खोल के इसमें हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये हाइड्रोलिक पंप हमें बांधना है दोस्तों, ये वाला गुटका इसमें पुराने वाले में लगा था, इसमें लगाया था हमको मिला है। ये वाला उल्ट कर नहीं लगाना है, इस तरीके से लगेगा जैसे यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका वायरिंग दिया है, तो ये वाला लगा कर हमको बैठाना होता है इसमें। तो जल्दी से इसको फाड़ लेते हैं और बैठा के दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला हमको आज यहाँ पे सिलाक लगा देना है थोड़ा सा, सिलाक लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे बांध देना है इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नट लगेगा 13 नंबर का, ये वाला नट लगाकर, ये वाला कस के जल्दी से दोस्तों, उधर का भी लगाना है सेम इसी तरीके से लगाना रहता है हमको। लगाने के बाद में दोस्तों बॉडी में इस तरीके से हमको फिट कर देना है, इसमें लगा देना है हाइड्रोलिक पंप को, इसमें नक्का मिलाकर लगाना होता है, जो खांचा है इसमें, ये वाला खांचा मिलाकर, वो खांचा जो दिख रहा है, ये वाला जो नच रहा है आप देख सकते हैं,
इसी को सेंटर मिलाकर ये वाला खांचा इसमें मिलाकर बैठाना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला खांचा उसी में हिला के बैठा देंगे, ऐसे लग जाएगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। जल्दी से इसको बांध के आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोलिक पंप को बांध लिया था, यहाँ पे कनेक्शन भी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 नंबर का लगता है बोल्ट। हम आपको बांध कर दिखाएं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास में आदमी नहीं है तो हमें एक हाथ से वीडियो बनाना पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको बांधना रहता है। ये वाला गुटका यहाँ से कस के ये बोल्ट लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, और इसको बांधने के बाद में हमको चेक करना होता है कि लीकेजिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कहाँ से हम चेक करेंगे, ये वाला लगाकर अभी हम आपको दिखाएंगे, चलाएंगे तभी हाइड्रोलिक पंप में ऑयल आएगा। तो दोस्तों किस तरीके से हमको चेक करना होता है, यहाँ पे रिंच लेना है और यहाँ पे देखेंगे ऑयल निकलेगा अभी, और यहाँ पर डलाएँगे और देखेंगे कि हमारा पंप ठीक बंधा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बजाना है हमको और डलाना है। यहाँ पर आप देखिए ऑयल गिर रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितना आयल निकल रहा है इस मेमर से। यहाँ पे आप देखिए जैसे बंद करते हैं जैसे रुक जाता है यहाँ पे, और जैसे डलाएंगे जैसे वहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा पंप आयल दे रहा है। अब यहाँ पे देखना है हमको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई लीकेजिंग नहीं है। तो अभी इसको बोल्ट को लगा कर हाइड्रोलिक को उठा कर देखेंगे नचा कर कि हमारा हाइड्रोलिक काम करता है कि नहीं। तो जल्दी से इसको कस के आपको उठा कर लीवर ऑपरेट करके देखेंगे कि हमारा हाइड्रोलिक काम करता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखना, ये यहाँ पे गौर करना, जब यहाँ पे हम ये सापट को नचाएंगे तो हमारा हाइड्रोलिक वहाँ पे उठेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से हम नचाएंगे इसमें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हाइड्रोलिक हमारा उठने लगेगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों लीवर नहीं ऑपरेट किया था, यहाँ पे लीवर ऑपरेट करके आपको उठा कर दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पे हाइड्रोलिक उठ रहा होगा हमारा। यहाँ पे आप देखिए, देखिए दोस्तों धीरे धीरे से हमारा उठ रहा होगा हाइड्रोलिक। यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोलिक हमारा आप होता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों हाइड्रोलिक, दोस्तों यहाँ पे जितना हाइड्रोलिक हमारा उठा है, अभी लीवर जब डाउन करेंगे तब हमारा डाउन जाएगा। अभी आप देखें कि वहाँ पे डलाने से हमारा हाइड्रोलिक उठ रहा था, तो हमारा काम कंप्लीट है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों डाउन हो रहा है, इतना हाइड्रोलिक मेरा उठा था। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी डाउन हुआ और यहाँ पर लीकेजिंग भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से हम चेक करते हैं जब बांधते हैं हाइड्रोलिक पंप को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई लीकेजिंग नहीं हुआ है। पहले आप देखे होंगे कि इसका बॉडी फटा था पुराने वाले पंप का, तब यहाँ से लीकेजिंग हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए लीकेजिंग नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें। मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।